हुंडई ने आज ऑफिशियली एक स्टार को लॉन्च कर दिया है और सारे के सारे डिटेल्स पढ़ने के बाद हम लोगों को ये समझ में आ चुका है कि इस गाड़ी को सिर्फ टाटा पंच के साथ कॉम्पीट करने के लिए ही हुंडई ने लॉन्च करा है। टाटा पंच के सक्सेस को देखते हुए हुंडई ने भी अपनी माइक्रो एसयूवी एक स्टार को लॉन्च कर दिया है ताकि पंच की तरह ही ये गाड़ी भी अपने सेगमेंट में दबदबा कायम कर सके। तो इसीलिए इसकी जो ट्रू कॉम्पिटिटर है टाटा पंच, उसी के साथ हम हुंडई एक्स स्टार को कंपेयर करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए। तो इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्स स्टार में आपको मिल जाएगा 1.2 लीटर फोर सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन जो 82 bhp और 114 nm टॉर्क जनरेट करता है और सीएनजी में ये इंजन आपको 68 bhp के साथ 95 nm टॉर्क पैदा करके आपको दे देगा। गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल के साथ AMT गियर बॉक्स आपको इसमें मिल जाएगा और माइलेज की बात करें तो 19.4 किलोमीटर माइलेज आपको मैनुअल में और 19.2 किलोमीटर माइलेज आपको AMT में क्लेम करा जाता है, जबकि पंच में भी आपको मिल जाता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोटॉन पेट्रोल इंजन जो 85 bhp के साथ 115 nm टॉर्क पैदा करता है। 5 स्पीड मैनुअल के साथ AMT गियर बॉक्स आपको मिल जाएगा 20.09 kmpl माइलेज आपको मैनुअल में और 18.8 kmpl माइलेज आपको AMT में क्लेम करा जाता है। तो इंजन परफॉर्मेंस में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बात करें एक्स्ट्रा फ्यूल ऑप्शन की तो वो आपको हुंडई एक्स्टार में मिल जाएगा सीएनजी के रूप में। उसके साथ साथ हुंडई एक्स्टार का इंजन फोर सिलेंडर वाला है तो आपको बहुत ही साइलेंट और स्मूथ परफॉर्मेंस देगी ये पंच के मुकाबले, जबकि पंच में आपको ये थ्री सिलेंडर इंजन के रूप में मिलेगा, इसीलिए आपको शोर शराबा थोड़ा बहुत सुनाई देगा केबिन के अंदर और उतना ज़्यादा स्मूथ और रिलायबल परफॉर्मेंस पंच का इंजन नहीं दे पाएगा एक्स्टार के मुकाबले। डायमेंशंस की बात करें तो एक्स्टार की लेंथ है 3815 mm, पंच की है 3827 mm, विड्थ है 1710 mm, पंच की है 1742 mm, हाइट है एक्स्टार की 1631 mm, पंच की है 1615 mm, व्हील बेस है एक्स्टार की 2450 mm, पंच की है 2445 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है एक्स्टार की 185 mm, पंच की है 187 mm, बूट बेस है एक्स्टार की 391 L और पंच की है 366 L, टायर साइज है एक्स्टार की 14 और 15 जबकि पंच की है 15 और 16 इंचेस की, फ्यूल टैंक दोनों ही गाड़ियों में आपको 37 L की मिल जाती है। तो ओवरऑल डायमेंशंस में आप देख सकते हो कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों में देखने में नहीं मिलता, आपको दोनों ही गाड़ियों में सिर्फ दो ही फर्क सबसे मेजर मिलेगा। एक्स्टार में आपको थोड़ी ज़्यादा बूट पंच के मुकाबले मिल जाएगी, जबकि पंच में आपको 16 और 15 दोनों इंच का टायर मिल जाएगा, जबकि एक्स्टार में आपको 14 और 15 इंच का ही मिल पाता है। ओवरऑल दोनों ही गाड़ियों में आपको केबिन पेस बिल्कुल एक जैसा ही मिलेगा, कोई भी रद्दी भर का भी फर्क आपको देखने में नहीं मिलेगा। फीचर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में मौजूद है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, स्मार्ट कीलेस एंट्री, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। आप उन फीचर के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ आपको एक्स्टर में मिलेगी तो वो है वॉइस एनेबल्ड सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, 8-inch टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कनेक्टिविटी, कूल्ड ग्लाव बॉक्स और रियर एसी वेंट, जबकि पांच में आपको मिलेगा रियर हैंडरेस्ट और रेन सेंसिंग वाइपर। तो कॉम्फर्ट फीचर में भी आप देख सकते हो एक्स्टर में भर भर के आपको कॉम्फर्ट फीचर कंपनी ऑफर कर दिया है। अब सेफ्टी की बात करें तो एक्स्टार में आपको मिल जाएगा 6 एयरबैग, 3-point सीट बेल्ट एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, ये सभी के सभी फीचर आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक, जबकि पांच में आपको मिल जाएगा 5-star क्रैश टेस्ट वाली रेटिंग जो एक्स्टार में नहीं मिल पाता, ड्यूएल एयरबैग्स, ABS with DVD, ब्रेक स्वे कंट्रोल, आइसोपिक एंकर और रियर पार्किंग कैमरा। तो सेफ्टी फीचर को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर एक्स्टार डेफिनेटली आगे निकल जाती है, लेकिन अगर पंच की क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करें तो पंच यहाँ पर ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट साबित होता है। पंच में आपको 5-star वाली क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल जाती है, जबकि एक्स्टार की क्रैश टेस्ट वगैरह हुआ नहीं है, लेकिन नियोस के प्लेटफॉर्म पर ही इसको डेवलप की गई है, तो आप लोग मान के चल सकते हो नियोस वाला ही क्रैश टेस्ट रेटिंग एक्स्टार में भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सेफ्टी फीचर में इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। अब प्राइसिंग की बात करें तो एक्स्टार की प्राइसिंग शुरू होती है 6 lakh rupees से लेकर 9.32 lakh rupees तक टॉप मॉडल के लिए, जबकि पंच की शुरू होती है 6 lakh rupees से लेकर 9.52 lakh rupees तक टॉप मॉडल के लिए।
तो आप देख सकते हो प्राइस में भी कोई फर्क नहीं है, आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा सस्ती मिल जाती है 5 के मुकाबले, लेकिन वैसे कोई भी फर्क आपको प्राइस पॉइंट में भी देखने में नहीं मिलता। तो आपको प्रेफर कौन सी करनी चाहिए? तो देखो, अगर आपको एक रिलायबल इंजन चाहिए, उसके साथ सीएनजी ऑप्शन चाहिए, भर भर के आपको कॉम्फर्ट फीचर चाहिए, उसके साथ आपको अच्छा खासा सेफ्टी फीचर चाहिए, तो आप हुंडई एक्स्ट्रा की तरफ जा सकते हो। लेकिन आपको एक रोबस्ट बिल्ड वाली गाड़ी चाहिए, 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग वाली गाड़ी चाहिए, ताकि आपका फैमिली अच्छी तरीके से सेफ रह सके, तो आप टाटा पंच की तरफ जा सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद है नीचे कमेंट बॉक्स पर शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।